दोस्तों ये जगह है पीर गायब, और इस जगह के बहुत सारे इतिहास हैं और बहुत सारी रहस्य हैं और बहुत सारी घटनाएं हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, ये स्ट्रक्चर बिल्कुल टूटा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी मरम्मत नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से यहाँ ये बिल्डिंग कभी भी क्षति होकर गिर सकती है। यहाँ पर एक छोटा सा कमरा है, यहाँ पर आप देखिए। हालांकि इस कमरे में ये क्या है, शुरू होते ही खत्म हो गया। इस कमरे में आप देखें तो पत्थर, बड़े बड़े पत्थरों को चूने के सहारे लटका रखा है, और उसके बाद लगता है कि यहाँ पर कुछ ये जो प्लास्टर है चूने का, ये बाद में कराया गया था। चलिए इसके दूसरी तरफ चलते हैं। दोस्तों अभी इस हिस्से को देखिए, यहाँ पर इसे देखकर लगता है कि ये पूरी तरह से अब खंडर बन गया है, क्योंकि इतना हिस्सा इसका बचा हुआ है और शेष हिस्सा बिल्कुल टूट गया है। यहाँ पर छोटे छोटे कमरे आप देख सकते हैं दोनों तरफ, जो कि बंद कर रखे हैं, और एक यहाँ पर भी है, ये भी बंद कर रखा है। ये दोस्तों पीर गायब इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर 13वीं शताब्दी में जब फिरोज शाह तुगलक ने इसको बनाया, तो एक पीर यहाँ पर रहा करता था जो बच्चों को पढ़ाता था, और वही पीर यहाँ से एक रहस्यमय ढंग से गायब हो गया था। वो कहाँ चला गया, किस तरह से गायब हो गया, कोई इस बात को नहीं समझ पाया, नहीं जान पाया। इसका स्ट्रक्चर 13वीं शताब्दी का है, जैसे कि मैंने बताया आपको, फिरोज शाह तुगलक ने इसको बनवाया था। अब मैं बात करता हूँ यहाँ के रहस्य की। दोस्तों आप एक बार, मैं आपको ऊपर जाकर दिखाऊंगा, चारों तरफ सोसाइटी है जहाँ पर लोग रहते हैं, और उसके बाद भी इस जगह को हॉन्टेड करार दिया गया है। इसके पीछे का कारण सिर्फ एक ही है, ये लोग बताते हैं कि यहाँ पर रात को अजीबोगरीब आवाज आती है, डरावनी आवाजें आती है। कुछ लोगों का मानना है कि उन्होंने यहाँ पर कुछ देखा है, किस तरह का वो आदमी था या औरत थी कोई नहीं जानता, लेकिन उनका मानना है कि उन्होंने यहाँ पर कुछ ना कुछ जरूर देखा है। एक बार ऊपर देखिए, वहां पर इसकी छत, दोस्तों जितने भी तुगलक कालीन मैं स्ट्रक्चर आपको दिखाता हूँ, उनकी कारीगरी कमाल की थी। यहाँ पर आप देखते, इतने बड़े बड़े पत्थरों को किस तरीके से लगाकर उन्होंने इतनी बड़ी भारी भरकम छत बना रखी है, और वह आज तक लगभग 700 साल हो चुके हैं, आज भी ये जगह ऐसी की ऐसी ही है। दोस्तों इसके ऊपर जाने के दो रास्ते हैं, यहाँ पर आप देखिए, एक तो सीढ़ी ये है, यहाँ से आप देखिए 3 सीढ़ी के बाद इतना डिस्टेंस है, और फिर उसके बाद सीढ़ियां जिसको चढ़ना है, पहले इस जगह को क्रॉस करना पड़ेगा। और दूसरा रास्ता दोस्तों इसका यहाँ पर ये है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बिल्कुल खड़ा जीना है, और इसे ऊपर चढ़ने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी। दोस्तों चढ़ना तो इतना खतरनाक नहीं है दोस्तों, क्योंकि आराम से चढ़ सकते हैं इजिली, लेकिन उतरना खतरनाक हो सकता है। ये इसकी दूसरी मंजिल पर हूँ फिलहाल, और आप यहाँ पर एक बार देखिए चारों तरफ, यहाँ से सो पेड़ नज़र आ रहे हैं बस। ये इसकी दूसरी मंजिल है दोस्तों, और ये बंद है, और यहीं से वो पीर था जो गायब हो गया, इसको पीर गायब के नाम से जानते हैं। यहाँ से देखता हूँ, यहाँ से देखिए दोस्तों आप, ये लगा रखी है ताकि कोई अंदर ना जा सके, और वहाँ पे एक कमरा है जिस कमरे में से पीर गायब हो गया था। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों ये शायद 7792 पीर गायब साहब, उन्हीं के लिए है, और दिया बंद है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये देखिए जो कि मस्जिदों में होता है, ये वही है, बिल्कुल उसी तरह का निशान है जिसके बीच में अल्लाह लिखा हुआ है, और यहाँ पर भी ठीक वही है। ये तेल वगैरह दिए वगैरह किसने रख रखे हैं ये भी नहीं पता, मैंने सूज बाहर निकाल दिए हैं ताकि इस जगह का एहतराम हो सके। दोस्तों मैंने पहले बताया कि आवाज़ थोड़ी ख़राब आ सकती है, क्योंकि मेरा माइक टूट गया जब मैं ऊपर चढ़ रहा था तभी।
चलो मैं ऊपर चलता हूँ दोस्तों। फाइनली इसके ऊपर मैं आ गया हूँ। ये देखो, अब यहाँ से देखो दोस्तों, चारों तरफ यहाँ पर कॉलोनी है और इस तरफ पूरा जंगल। ये क्या है, शायद ये उस समय धुआं निकलने का काम करता था, चिमनी का। यहाँ पर देखो क्या है, कुछ नहीं है, पाइप है। और यहाँ पत्थर डाल रखा है, ओए क्या था इसके नीचे। अच्छा, ये रोशनी का या फिर धुआं का जो भी है उसके काम आता होगा। इस साइड नीम है, यहाँ पर देखिए पीर गायब, किस रहस्यमय तरीके से यहाँ पर गायब हो गया। दोस्तों मैं बिल्कुल इसके टॉप पर हूँ, सबसे ऊपर आ गया हूँ और यहाँ पर कुछ नहीं है सिवाय इसके। ये पीछे मैंने आपको दिखा दिया है। अब मैं बताता हूँ पीर गायब की कहानी। बताते हैं कि पीर जो यहाँ पर रहता था, नमाजें वगैरह पढ़ाता था, वो क्या एक दिन सेकंड मंजिल पर आया और उसके जो सागिर्द थे जो उसके पास पढ़ते थे वो नीचे ही थे। वो सेकंड मंजिल पर आते और उसके बाद नीचे नहीं गए, उसके बाद ढूंढने भी बहुत आए जो उनके पास पढ़ते थे बच्चे, वो ढूंढने के लिए आए लेकिन वो उन्हें नज़र नहीं आए, वो गायब हो गए। और तभी से इसका नाम पीर गायब हो गया। वे कहाँ गए, क्यों गए, क्या वजह रही होगी, कोई नहीं जानता। कहना ये रहस्य भी उसके साथ ही चला गया। सांस चढ़ गया है दोस्तों, क्योंकि बहुत ऊंचा खड़ा जीना है। हाँ, और मेरा माइक भी टूट गया ऊपर आने आने में, मेरा जो माइक था वो टूट गया, इसीलिए जो आवाज़ आएगी वो अब ज़्यादा हाई क्वालिटी की नहीं होगी, जब तक मैं नया माइक नहीं लेता तब तक तो खासकर। हाँ दोस्तों, एक वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसका सिर्फ ही छोटा सा स्ट्रक्चर बचा हुआ है, बाकी मैंने बताया कि 1857 में तोड़ दिया गया अंग्रेज़ों के द्वारा, इसका बहुत सारा हिस्सा टूट गया। ये आसपास के जो लोग हैं यहाँ पर यही बताते हैं कि रात को यहाँ से आवाज़ें आती है। तो कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि जो पीर गायब हो गया था ये उसकी आवाज़ होती है, कोई बोलता है कि नहीं यहाँ तो कुछ और है। खैर कहानी जो भी हो, कहानी सच्चाई यही है कि यहाँ पर रात के वक्त कोई नहीं आता, हालांकि दिन के वक्त भी मैं हूँ और मेरा दोस्त है और कोई नहीं है यहाँ पर। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं पर बिल्कुल इस पीर गायब की छत पर अंत करता हूँ, एंड करता हूँ। पसंद आए तो दोस्तों ज़रूर शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट तो करना ज़रूर।